Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have discussed about the directing, its feature and its importance. In today's video lecture we will discuss about the another topic called motivation. So motivation is one of the element of the directing. So generally there are four elements of directing: supervision, motivation, leadership and communication. So in your syllabus supervision has been deducted, so we will start directly from the motivation. So motivation kya hai? Motivation, it refers to that process which excites people to work for the attainment of desired objectives. यानी कि ये एक प्रोसेस है जो और ह्यूमन बीइंग को या एम्प्लॉइज को एक्साइट करता है कि वो अपना जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करे. लाइक मैं किसी बंदे को कह दूं कि इफ यू विल अचीव दिस वर्क और इफ यू अचीव दिस टारगेट यू विल बी कंपनसेटेड हायर और यू विल बी प्रमोटेड, तो वो एक्साइट हो जाता है कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी या मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ मोटिवेशन. और टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर. हम मोटिवेट क्यों करते हैं? ताकि वो एक डिजायर्ड मैनर में जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह वो क्या करें, एक्ट करें. दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ मोटिवेट. तो मोटिवेट मींस टू इंड्यूस द पीपल, यानी कि उनको क्या करना है, इंड्यूस करना है उनसे. वी कैन से दैट एक उनकी इच्छा शक्ति पैदा करनी है कि वो जैसे आप चाहते हैं वैसे काम करें. दैट टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर. सो वी कैन से दैट इट इज इंड्यूसिंग द पीपल, इट इज एक्साइटिंग द पीपल टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कम फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. तो द फर्स्ट फीचर इज मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग. मोटिवेशन क्या होती है? एक इंटरनल फीलिंग होती है. जितनी देर बंदे के अपने अंदर से ही नहीं आवाज आएगी कि मैंने ये काम करना है, चाहे आप उसको जितना मर्जी मोटिवेट कर लो, जितना मर्जी इंड्यूस कर लो, अगर उसके एक इंटरनली उससे आवाज नहीं आ रही, उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं पैदा हो रही, तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता. तो मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है विच एक्साइट्स द पीपल, which induce the people to work better and better for the organization. Motivation produces goal-oriented behavior. When we motivate the people, जब हम लोगों को motivate कर देते हैं, तो we have produced their behavior. हमने उनका behavior ऐसा बना दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस तरफ जाता है, किस तरफ जाने की कोशिश करता है, towards the achievement of organizational goal. तो जब हम employees को motivate कर देते हैं तो उनका जो behavior है वो क्या हो जाता है, goal oriented होता है. Next, motivation is a complex process. Motivation is a complex process. Motivation is very difficult process. और because in motivation we have to deal with the human behavior, we have to deal with the human nature, and it is very difficult to understand the human behavior, it is very difficult to understand the human nature. तो जो motivation है वो क्या है, एक complex process है, क्योंकि human nature को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो बंदा है वो कैसे different situations में behave करेगा. मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो मोटिवेशन क्या है, पॉजिटिव वे से भी हम कई बार मोटिवेट कर देते हैं, कई बार हम नेगेटिव वे से भी मोटिवेट कर देते हैं. जैसे कि क्या है कि पॉजिटिव वे में कि अगर तुम काम करोगे तो मैं बॉस को कह के तुम्हारे प्रमोशन करवा दूंगा, या मैं बॉस को कह के तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करवा दूंगा. तो दीज आर द पॉजिटिव मोटिवेटर्स. नेगेटिव मोटिवेटर्स क्या है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे देन यू विल बी पनिश्ड. तो एक डर पैदा कर देना, एक पनिशेबल एक्ट
लेके आना इज नेगेटिव मोटिवेटर कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे विच इज वेरी फार फ्रॉम योर होम टाउन, इट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। अगर तुम काम नहीं करोगे, अगर तुम एबसेंट रहोगे तो हम क्या है तुम्हारी जो सैलरी है वो डिडक्ट कर लेंगे, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव मोटिवेटर। सो दीज आर द फोर फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस इज मास्लोस थ्योरी। इसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट एज अ मास्लोस नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी, वी कॉल इट एज अ मास्लोस नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी। तो इसमें मास्लो, इट वाज गिवन बाय सर अब्राहम मास्लो, इट वाज गिवन बाय सर अब्राहम मास्लो। तो अब्राहम मास्लो ने बेटा पांच नीड्स को क्या करा, आइडेंटिफाई करा विच विल एक्ट एज अ मोटिवेटर फॉर अ ह्यूमन बींग। तो पहली नीड क्या है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स वो कहते हैं कि पहली जो नीड है वो जो बंदे को काम करने के लिए मोटिवेट करती है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैट इज बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन, दीज आर इट्स बेसिक नीड्स जो उसको काम करने के लिए क्या करती हैं, मजबूर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो जो बंदा पहले काम करता है वो किस चीज से मोटिवेट होता है, दैट आई हैव टू फुलफिल, आई हैव टू सेटिस्फाई माय बेसिक नीड्स। वंस द बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड दे विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड नीड, दैट इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। आफ्टर अचीविंग द बेसिक नीड्स देन द वर्कर और द एम्प्लॉय मोटिवेट्स और वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, तो इसमें वो क्या चाहता है, अपनी इकोनॉमिक सेफ्टी चाहता है और फिजिकल सेफ्टी चाहता है। इकोनॉमिक सेफ्टी में वो क्या करता है, कुछ पैसा सेव करके रखता है, और फिजिकल सेफ्टी में वो क्या है, अपने आप को सिक्योर करके चलता है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डिसीज और इलनेस। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को वो फुलफिल करने की कोशिश करता है, अपना फ्यूचर सिक्योर करता है। आफ्टर फुलफिलिंग इट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स द एम्प्लॉई मूव्स टू द नेक्स्ट हायर नीड, दैट इज सोशल नीड्स। नाउ एवरी ह्यूमन बींग वॉन्ट रिस्पेक्ट, एवरी ह्यूमन बींग वॉन्ट एफेक्शन, एवरी ह्यूमन बींग वॉन्ट लव। तो वी कैन से बिकॉज ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल, तो उसको सोशलाइज भी होना है। फिर वो क्या करता है, क्यों काम करता है, उसको कौन सी चीज मोटिवेट करती है काम करने के लिए, दैट इज इट्स सोशल नीड्स, जो एफिलिएशन नीड्स है। नाउ दे वांट रिस्पेक्ट, दे वांट टू बिकम अ सोशल इन द सोसाइटी। नेक्स्ट वन जो नीड मोटिवेट करती है उसको, दैट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स, नाउ दे वांट एस्टीम, दे वांट सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि वो एक रुतबा चाहता है, एक रेपुटेशन चाहता है, जिसके लिए वो क्या करता है, मोटिव काम करता है। नाउ स्टीम नीड्स बिकम्स अ मोटिवेटर फॉर अ पर्सन। जब स्टीम नीड फुलफिल हो जाती है देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ जाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब जो एक्चुअल में क्या है, एम्प्लॉय कुछ बनना चाहता है, जो एम्प्लॉय क्या है कुछ बनना चाहता है, That is a self-actualization need. जो उसका टारगेट था, जो उसका एम था, वो उसको क्या कर रहा है, काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो वो कहते हैं कि वंस योर लोअर नीड इज सेटिस्फाइड देन ओनली यू विल मूव टू द हायर नीड। अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाइड नहीं है, तो सोशल नीड्स कैन नॉट मोटिवेट यू टू वर्क बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं कि वंस योर lower needs are satisfied then only you will move to the next higher need, we can say need। तो वो कहते हैं कि जब आपकी एक नीड क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो जो अगली नीड है वो तुम्हारे लिए एक मोटिवेटर का काम करती है। सो दिस इज द मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी गिवन बाय सर अब्राहम मास्लो। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, वी कैन से दैट इन द मैनेजमेंट। So please watch this video very carefully and if you have any of the query, please note it down on your notebook and I will sort out your query in tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.